Hello students, this is my next lecture to BSc second year. It is all about Perkin condensation. तो Perkin condensation reaction क्या होती है इस जो topic में ये discuss करने जा रहा हूँ आज. तो इस reaction में हम क्या करेंगे, इस reaction में हम लेंगे जो starting material होंगे वो आपका क्या होगा, एक aromatic aldehyde होगा, एक आपका एलिफैटिक एनहाइड्राइड होगा, साथ में आपका सोडियम एसीटेट होगा, टेम्परेचर होगा 453 केल्विन, और इसमें क्या बनेगा आपके का एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा. उसके बाद हम उसको H2O हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, और आपका जो क्या बनेगा सिनामिक एसिड. तो ये रिएक्शन जो है किसके लिए यूज हो रही है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिनामिक एसिड. तो इसमें जो आपने बेंजाल्डिहाइड जो लिया हुआ है इस रिएक्शन में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड में आपका जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है. तो कार्बोनिल ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करता है ये जो है कंटिन्यूसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इससे क्या होता है कि जो कार्बोनाइड कार्बन है उसमें जो है क्या है हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है. तो उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहने से वो क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा रहता है. तो वहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो ईजिली वहाँ पर अटैक कर सकता है. तो इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है वो ऐसे काम करेगा जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड में आप देख सकते हैं जो ये CH3 हैं, ये जो अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन को हम इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बेस. अगर हम कोई बेस यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पोजिशन से हाइड्रोजन को हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और कहाँ पे अटैक करेगा वो कार्बोनाइल कार्बन पे. तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका सोडियम एसीटेट है वो रिएक्शन में किस में ब्रेक हो रहा है, सोडियम एसीटेट जो है एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव, तो एसीटेट आयन और Na पॉजिटिव निकलेगा. एसीटेट आयन जो एनायन है जो क्या करेगा वो बेस बिहेव करेगा और क्या करेगा, जैसे आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड का ये जो आपका एक साइड का जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे इस हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन को हम ऐसे देख सकते हैं, तो बेस क्या करेगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया और किस फॉर्म में निकल गया, वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकला, प्लस क्या बनेगा आपका कार्बेनाइन. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका कार्बेनाइन बनेगा जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ बेंजाल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन में क्या है वो जो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे जो है ये आपका कार्बेनाइन जो है अटैक करेगा. तो आप देख सकते हैं बेंजाल्डिहाइड, ये आपका बेंजाल्डिहाइड है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपका जो कार्बेनाइन बना जो प्रीवियस स्टेप में उसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन्स आपको इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो आपका क्या बनेगा इस जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और ये वाला पार्ट जो कार्बेनाइन का पार्ट था वो इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया. उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने देखा कि रिएक्शन में क्या हुआ था, जो सोडियम एसीटेट जो था जो एसीटेट आयन था वो पिछले स्टेप में क्या उसने एच पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना था एसिटिक एसिड बना था. तो एसिटिक एसिड में से जो एच पॉजिटिव है वो क्या होगा किसके साथ, ये वाले जो नेगेटिव चार्ज जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा. तो आप इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप के बाद जब एच पॉजिटिव फ्रॉम एसिटिक एसिड आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, बाकी जो है सेम रहेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका OH है वो निकलेगा यहाँ से, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में जो ये आपके पास यहाँ पे CH2 था और उस पर क्या एक और हाइड्रोजन था वो भी निकल सकता है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को शिफ्ट करेगा जिससे क्या होगी इसकी वैलेंसी जो है पूरी हो जाएगी.
तो ये क्या होगा, जैसे आपका एसीटेट आयन था रिएक्शन में, उसने क्या किया, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए, और जैसे ही पहले जो OH नेगेटिव निकला था उसे डेफिशिएंसी आई थी कार्बन पे, तो वो डेफिशिएंसी जो है इसने पूरी कर दी। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड और माइनस OH नेगेटिव जो है यहाँ से निकल गया, तो आपका क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया C6H5, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, COOCOCH3, कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो आपका बना। उसमें क्या करेंगे, हम वाटर डालेंगे और उसको बॉयल करेंगे, तो क्या बनेगा आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या बनेगा, सिनामिक एसिड यहाँ पे जो है, और साथ में क्या निकलेगा, CH3COOH जो है यहाँ रिएक्शन में से आपका जो आपका एसिटिक एसिड है वो रिएक्शन से निकल जाएगा। तो जो आपकी परकिन रिएक्शन है, दिस इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिनामिक एसिड, और इसमें हम क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस सोडियम एसीटेट। थैंक यू।